अल्लाह ताला ने जो इस्लाम रहमतों का मजहब बनाया है और दीन हक और दीन समावी है, इसमें एक दूसरे का ख्याल बहुत ज्यादा जरूरी है। हदीस शरीफ में है, अगर कोई शख्स पेट भरकर खाना खाए और सो जाए और उसके पड़ोस में कोई भूखा सो गया तो ये शख्स क़यामत के दिन मेरी शफ़ात का मुस्तहिक नहीं होगा। क़यामत के दिन वो लंबी हदीस शफ़ात की है कि अल्लाह ताला कहेगा कि मुझे भूख लगी थी, आपने खाना नहीं दिया, मुझे प्यास लगी थी, आपने पानी नहीं दिया। ऐसी कई चीजें, वो बंदा हैरान हो जाएगा, वो कहेगा अंत रब्बुल आलमीन। फरमाया आपको भूखे प्यासे नंगे का पता था, वो तकलीफ उस पर मेरी तरफ से आई थी और तुझे हुक्म था कि उसकी मदद करे और तुमने उसकी कोई मदद नहीं की, ये तुमने मुझे नहीं खिलाया पिलाया और ना पहनाया।